keeping up with our motto let learning be a joy and teaching a pleasure here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap happy learning students कक्षा सातवीं विषय हिंदी यूनिट वन का सिक्स पृथ्वी से अग्नि तक लेखक अब्दुल कलाम पाठ का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत आत्मकथा अंश में अग्नि प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों व वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के विषय में बताया गया है देखिए बच्चों आपके सामने एक चित्र है यह चित्र मिसाइल का है और यह आत्मकथा का अंश इसी मिसाइल के बारे में अब्दुल कलाम जी ने लिखा है उन्होंने कहा पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की गई थी यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगा युगांतकारी घटना थी प्रक्षेपण का एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था ज्वार के कारण लहरें सागर के किनारों से टकराकर और भी अधिक शोर कर रही थी यह अग्नि प्रक्षेपण पच्चीस अप्रैल उन्नीस को निर्धारित किया गया अग्नि को एक टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था इस अग्नि टीम में 500 से भी अधिक वैज्ञानिक थे इस विशाल प्रक्षेपणों के लिए अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था इस मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं टेक्नोलॉजी के कारण कई बार इस प्रक्षेपण को स्थगित भी करना पड़ा देखिए बच्चों आपके सामने एक दूसरा चित्र इस चित्र में अब्दुल कलाम जी अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं वे कहते हैं कि इस प्रक्षेपण को स्थगित करने के कारण उनकी टीम शोक में थी मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था परंतु पंद्रह दिनों में उसकी वापसी सफलता के साथ हुई ऐसे कार्यों में बार बार असफलता मिलना आम बात है यह महान अवसर हमें पहली बार मिला था स्वाभाविक रूप से इस अवसर को चुनौतियों का भी सामना करना था हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए समस्याओं को हमें हराने का अवसर नहीं देना चाहिए देश को हमसे सफलता से कुछ भी कम पाने का अधिकार नहीं है आइए सफलता का अपना लक्ष्य बनाएं। मैंने लोगों को कहते सुना था कि सफलता के बाद हम एक दूसरे को मिलेंगे वे लोग आपस में यही आश्वासन दे रहे थे सैकड़ों कर्मचारियों ने इस प्रक्षेपण में काम किया था और अब बारी थी चक्रवात की अर्थात मौसम की मौसम इस अभ्यास में बाधा डालने जा रहा था देखिए बच्चों अभी आपके सामने एक तीसरा चित्र है ये चित्र एक मिसाइल का है और इस चित्र में मिसाइल प्रज्वलित हो गई है अर्थात सफलता की ओर अभी जब तीसरी बार इस प्रक्षेपण में तकनीकी न होकर मौसम अर्थात चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था कि वो इसके बार बार बाधा डाल रहा था आखिर रक्षा मंत्री ने मुझसे पूछ ही लिया कि अब्दुल कल सफलता के बाद तुम मुझसे क्या उपहार लेना चाहोगे यह एक मामूली सा सवाल था परंतु मैं इसे समझ ना पाया मैं उसका जवाब ना दे पाया अब मुझे जवाब समझ में आ गया था कि अगले ही दिन मुझे सफलता की ओर बढ़ना था अगले दिन सुबह सात बजकर दस मिनट पर अग्निमिसाइल प्रज्वलित हो उठी यह एक दूस्वपन भरी नींद के बाद जगने का सुबह सुंदर दृश्य भरा सवेरा था मुझे बहुत प्रसन्नता हुई टीम के सभी लोग प्रसन्न थे और अब हमारी थकान दूर हो गई थी हमें एक सफलदार शानदार मेहनत का नतीजा मिल गया था अर्थात मिसाइल प्रज्वलित हो उठी थी और हम अपने प्रक्षेपण में सफल हो गए थे बच्चों इस प्रकार अब्दुल कलाम जी ने बताया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अनेकों बधाएँ आती हैं और हमें उन बाधाओं को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाना चाहिए बच्चों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद